बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में तीन ठगों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनके कब्जे से ठगी हुई 25 लाख रुपए की राशि भी बरामद की गई है। थाना छाता पुलिस व स्वाट टीम ने थाना क्षेत्र अंतर्गत ठगी करने वाले 6 बदमाशों से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। कुल 3 बदमाश गिरफ्तार, 3 फरार। कब्जे से ठगी के 25 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर बरामद। 3 अवैध तमंचा, 315 बोर, 6 अदद जिंदा कारतूस, 6 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पैगाम रोड पर सेवलगढ़ मोड़ के समीप वादी राजवीर पुत्र स्वर्गीय टेकचंद निवासी मुड़का थाना नागलोई जिला बाहरी दिल्ली के साथ धोखाधड़ी कर सोने की ईंट के बदले नकली सोने की ईंट देकर 25 लाख रुपए की ठगी करने वाले 6 साथी अभियुक्तों से थाना छाता पुलिस और 100 टीम की थाना छाता क्षेत्रांतर्गत ठगी करने वाले 6 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए, 3 फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद अली सिर्फ उर्फ अली पुत्र हुसैन खान निवासी हाथिया थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 38 वर्ष गोली लगने से घायल हो गया तथा बदमाश जोगेंद्र पुत्र जग्गू पुत्र शेरपाल निवासी बसंबरा शेरगढ़ मथुरा उम्र 28 वर्ष धर्मेंद्र पुत्र राजेश निवासी कठमलिया थोक थाना छाता जनपद मथुरा उम्र 25 वर्ष गिरफ्तार किए गए व 3 अन्य बदमाश शकील पुत्र अज्जा गिरराज पुत्र बाली सलीम पुत्र इस्लाम मथुरा का अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राजवीर है, जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको जो धनराशि रिटायरमेंट के उपरांत मिलती है, उस अमाउंट को अपने के उद्देश्य से जो नकली सोने की ईंट बताकर बेचकर जो धनराशि की ठगी करने वाला जो गिरोह है, उसने राजवीर जी के साथ ठगी की, जिसमें लगभग 1 किलोग्राम 300 ग्राम नकली सोने की ईंट बेचकर 25 लाख रुपए उनसे ठगी कर लिया था। और उसके उपरांत ये घटना उनके साथ 30 सितंबर को हुई थी, जब उनके साथ ठगी हुई थी, जिसमें उन्होंने 25 लाख रुपए दे के असली सोने की ईंट समझ के नकली सोने की ईंट उन्होंने एक गिरोह से खरीदी थी। और जब वो अपने घर वापस गए और जांच कराई जब उस ईंट की, और उन्हें पता चला कि ये फर्जी है, तब उन्होंने 3 तारीख को इसकी सूचना जो है स्थानीय थाने पर छाता को दी। तत्काल इसने एस पी आर ए और सीओ छाता एक क्लोज सुपरविजन में स्वाट टीम और थाना छाता की टीम इसमें लगी। शुरू में मामला ये बिल्कुल अज्ञात में था और इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए, जिनके नाम जोगिंदर धर्मेंद्र और अली शेर हैं। बीती रात इनके साथ मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ में अली शेर घायल हुआ था। पूरे के पूरे 25 लाख जो इनके साथ ठगी हुई थी उसकी बरामदगी हुई है, साथ ही साथ अवैध तमंचे कारतूस भी बरामद हुए और साथ ही साथ जो ठगी का सोना था जो वादी लेके आया था वो भी हमारे पास है। पहला कोई इतिहास है सर? मैं इसमें अवगत कराना चाहूँगा कि जिन व्यक्ति जो विक्टिम है उनके यहाँ किराए पर रहने वाली एक महिला थी, उसको किसी ने संपर्क करके बताया था कि इस तरह से यहाँ ठगी वाले अपराधी रहते हैं, इनका एक गिरोह है। उस महिला को पता था कि ये व्यक्ति रिटायर्ड हैं और इनके पास पैसे हैं, तो उसने अपने संपर्की व्यक्ति के साथ साजिश रख के, जिसका नाम जोगेंद्र है, उसने प्लान किया ठगी करने का, जिसमें शुरू में एक सैंपल दिया गया जो कि असली था। उसको वादी ने चेक कराया, जब वो असली पाया तो लालच में आ गया और वो फिर इस गिरोह के, इस पूरे जो 7 सदस्यीय एक तरह से गिरोह है, इसके झांसे में आ गया और उसने 25 लाख रुपए के लिए नकली असली समझ के परचेज की थी। इस पूरे घटना का अनावरण पुलिस टीम ने किया, साथ ही साथ इसने 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और पूरा का पूरा 25 लाख जो विक्टिम का ठगी गया था उसको बरामद किया। कितने अभियुक्त बरामद सर अभी इसमें?
जैसा मैंने बताया, सात सदस्य गिरोह का तीन लोग गिरफ्तार हैं, चार लोग अभी फरार हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे गिरोह पे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई विधिक तरीके से हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।